हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गंगा प्रसाद दांगी, आरंभ इंस्टीट्यूट से है ना, और आरंभ में आपका स्वागत है। कल का जो सेशन रहा हम लोगों ने, देखिए आरआरबी पीयू का जो पेपर देखा उसको दो पार्ट में हम लोगों ने देखा। अभी मैं बहुत ही आराम से, जिस तरीके से पेपर में जितना टाइम लगना चाहिए उतना पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज पेपर वाइज टाइम दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिएगा और अपनी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ रही है उसके ऊपर फोकस करिए। आज हम लोग उसके आगे एक पेपर टू की सीरीज लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया कि शायद टेल एग्जामिनेशन तक हम लोग इसको लेके जाएंगे, और मैं 100% श्योर हूँ आपको जितना भी क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड आपने पढ़ा हुआ है वो पूरा प्रॉपर तरीके से रिवाइज होगा। हाँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए सेशन रहेगा आपके पास में 6 अप्रैल से, मतलब थर्सडे से, कमिंग थर्सडे से। पर जो जिनको बच्चों को ऑलरेडी आता है कि भैया हाँ मैं टाइम एंड वर्क में पढ़ चुका हूँ, स्पीड डिस्टेंस में पढ़ चुका हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे सॉल्व करना आता है, तो उन लोगों के लिए पूरा का पूरा ये रिविज़न चल रहा है। ठीक है, तो अच्छे से इंजॉय करिए अपने सेशन को। और रेडी हैं सब लोग? हाँ, सबको आवाज़ वावाज प्रॉपर है? एक बार मुझे आवाज़ के बारे में बता दीजिए, जितने बच्चे आए हुए हैं एक बार आवाज़ के बारे में बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए मुझे एक बार प्लीज़ फास्ट। हाँ, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? हाँ, पार्थ, रिक्की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस, प्रॉपर है। चलिए, तो और अपने दोस्तों के साथ में लिंक को ज़रूर शेयर करिए कि जो बच्चे अभी नहीं पता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, प्रिपरेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कौन से वे में जा रहा हूँ, सही वे, फलाना ढिमका, तो उस बच्चे के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और 100% बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए गाइस, गुड लक, वेरी गुड। और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर टू है उसका पार्ट वन। इसको भी हम लोग दो पार्ट में कवर करके चलेंगे, है ना। जितना भी फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जितना भी फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आंसर दीजिए। गुड लक। ये लीजिए पहला सवाल, और आपका फेवरेट सवाल ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट हुआ है। लेवल देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। हार्डली मेरे हिसाब से इसके लिए टाइम होना चाहिए आपके पास में ओनली ऑन 5 to 6 सेकेंड। 5 to 6 सेकेंड का सवाल है, बन जाएगा। ठीक है, बनाइए जरा जल्दी प्लीज। बहुत बढ़िया अर्जुन सिंह गढ़वी, कंप्लीट आ रही है पार्थ एंड रिक्की, बहुत बढ़िया मेरे भाई। जीतू ऑप्शन ई, बहुत बढ़िया जीतू, गुड। देखिए गाइस, अगर आप लोग देखेंगे इस सवाल के बारे में, एक सेकेंड, ऑप्शन ई, बहुत बढ़िया। आपको बताया कि कोई लेवल ही नहीं है सवाल का। जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से लिया हम लोगों ने 2 और यहाँ पर बना आपके पास में 2 into 3, 7 मुझे चाहिए, तो 4 और 3 का आपका फैक्टर होगा, माइनस साइन चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे सेकेंड स्टेप में और साइन चेंज करेंगे, तो 2 and 1.5 आपका आंसर, ये दोनों वैल्यू रहेगी एक्स की। यहाँ पर देखा जाए तो कोफिशियंट रहेगा 1 and 2, आपको 3 ही चाहिए तो 1 and 2 ही इसके फैक्टर होंगे, डिवाइड की ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन है, फिर साइन चेंज करेंगे जैसा हम लोगों ने ऑफलाइन में देखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और साइन चेंज करेंगे तो वाई के वैल्यू आएंगे 1 and 2। कंपैरिजन की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। 2 1 से एक बार मोर आएगा, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, 2 एक बार इक्वल टू आएगा, 1.5 1 से ग्रेटर आएगा, और 1.5 2 से क्या आएगा, लेस। और जब भी अपोजिट साइन आते हैं तो आंसर आएगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही आंसर है। हार्डली 10 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम है पूरे क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया जीतू, रिक्की एंड अंजलि जी, और एम से कोई बंदा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए प्लीज़।
मतलब अगेन कोई लेवल का सवाल है नहीं, बहुत ही रद्दी सवाल है, आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए। कुछ आगे अच्छी चीज़ें मिलने वाली हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल को उतना ही टाइम दीजिए जितनी इस क्वेश्चन की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि डेली मेरे सेशन रहेंगे, 100% आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जो बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ना चाहेंगे वो रहेगा 6 अप्रैल से। आंसर बताइए फटाफट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। देखिए गाइस, आपके पास पता है कि 4 आपको चाहिए तो 3 और 1 ही एक फैक्टर होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आप 3 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से होता है सेकंड स्टेप में, और साइन चेंज करेंगे तो -1 और -4/3 आपके वैल्यूज रहेंगे। तो एक्स की जो वैल्यूज रहेंगी वो -1 एंड -4/3, बहुत बढ़िया, गुड। यहाँ पर आपको पता है कि 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 का फैक्टर रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव, और एट द लास्ट साइन चेंज हो जाएगा तो दोनों ही वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, -2 एंड -3। -1 को -2 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आंसर आया x इज ग्रेटर देन y, -1 अगेन -3 से भी ग्रेटर होगा। इसको अगर देखा जाए 4/3 को तो -1.33 रहेगा, -1.33 -2 से भी ग्रेटर होगा और -3 से भी ग्रेटर होगा, तो आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y, आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y। सर 1 आएगा इंस्टीट ऑफ 4, -1/3। अच्छा हाँ, सॉरी, 3 और 1, एग्जैक्टली 3 और 1, तो ये रहेगा -1/3, गुड, वेरी गुड, -1/3, सॉरी हैं। तो -1/3 अगर देखा जाएगा आपके पास में तो माइनस का 0.33, तो ये तो दोनों से ही ग्रेटर है, तो आंसर आएगा चारों जगह से x इज ग्रेटर देन y, गुड गुड वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बड़ा। नेक्स्ट सवाल लिखिए प्लीज। 2 times of x square is equal to 14 of x and y square minus 13 of y plus 42 is equal to 0, अगेन रद्दी सवाल है, बहुत रद्दी सवाल है। हाँ आंसर बताइए प्लीज फास्ट, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन डी, कुछ बच्चों का आंसर ई, कुछ बच्चों का आंसर डी। क्या बात है, बाकी के बंदे डी एंड ई। देखिए गाइस, अगर इस तरीके का सवाल है, सबसे पहले आपके पास 2 times of x square is equal to 14 of x बोला, मैं 2 कंसिडर कैंसिल आउट कर सकता हूं, मेरे पास बनेगा x square is equal to 7 of x। यहां पर बच्चे अक्सर क्या करते हैं, x x कैंसिल आउट कर लेते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा 7। भाई x का वैल्यू 7 आएगा ये बिल्कुल सही है, पर x का वैल्यू एक जीरो भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बंदा पहले लेफ्ट साइड में जाएगा तो बनेगा x square minus 7 of x is equal to 0। x दोनों जगह से कॉमन निकालोगे तो x minus 7 is equal to 0, तो x का वैल्यू एक जीरो आएगा और x का वैल्यू एक कौन आएगा, 7, दो वैल्यू आएंगी। ऐसे फंक्शन में जीरो कंसिडर करिएगा, बिकॉज अगर आप x की जगह पर जीरो रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो का स्क्वायर जीरो होगा और राइट हैंड साइड में 7 into 0 जीरो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये वैल्यू जीरो पर भी सेटिस्फाई करेगा और 7 पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की दो वैल्यू लेना पड़ेगा, 0 एंड 7, बस इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है और कुछ नहीं। यहाँ पर आपको पता है कि 6 और 7 ही फैक्टर लेकर चलेंगे, 6 7 42 नेगेटिव है यहाँ पर, तो लास्ट में दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक वैल्यू आएगा आपके पास में कौन सा, 6, और दूसरा कौन सा वैल्यू आएगा, 7। गाइज एक बात बताइए, जब 0 को आप कंसिडर 6 और 7 के साथ में कंपेयर करोगे तो आंसर रहेगा x इज लेस देन y, बट अगर 7 को जब हम कंपेयर करेंगे 6 के साथ तो आंसर रहेगा x इज ग्रेटर देन y, और इस सिचुएशन में आंसर आएगा सी एंड डी, तो आंसर लगाना पड़ेगा आपको आंसर ई, आंसर ई आपका राइट आंसर। हाँ जिन बच्चों का अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है एक बार चेक करिएगा, आंसर ई इज राइट आंसर।
जीरो को कंसीडर करना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे जीरो कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो कंसीडर करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहीं पर अगर आपको लग रहा है ये चीज अपडेट करने के लायक है, इसको नोट डाउन करिएगा। मैं IBPS PO का पेपर, एक क्वेश्चन आया था 2018 में कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया था आपके पास में 225 और y इज इक्वल टू रूट ओवर 225, डेटा भी यही है आपके पास। अब बताओ ये कोई लेवल का सवाल था क्या? कोई लेवल का सवाल नहीं है ना, दो कोड़ी के सवाल थे आपके पास, ठीक है। चलिए बताइए जरा जल्दी प्लीज, नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए। बहुत इजी सवाल है, 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 52 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 135 इज इक्वल टू 0, 6 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 43 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 76 इज इक्वल टू 0। आंसर बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कीर्तन, आंसर बी। गाइस एक बात बताइए, आप लोगों ने अगर इसके फैक्टर निकाला तो 5 को लिखा 5 और 135 को लिख सकते हैं हम लोग 15 इंटू 9 को लिख दिया 3 इंटू 3, इतना और फैक्टर कर दिया। मुझे 52 चाहिए, आई थिंक 25 और 27 से ही 52 बनेगा। ये 15 को और लिखना पड़ेगा 5 इंटू 3, तो 3 और 3 हो जाएगा 27 और 25, तो आपका फैक्टर हो जाएगा 25 एंड 27, ये दोनों मिलकर ही 52 देगा। नेगेटिव साइन है, माइनस साइन दीजिएगा, देन 5 से आप डिवाइड करिएगा और साइन चेंज करिएगा, तो x का वैल्यू आएगा आपका पॉजिटिव 5। और इसको अगर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा आपके पास में कितना 5.4। फ्रैक्शन में लिखें, और या अगर फ्रैक्शन में रखना है तो उसको ऐसे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 2 इंटू 3, 6 को, और 76 को लिखा आप लोगों ने 4 इंटू 19, 19 फोर 76। मुझे 43 चाहिए, तो एक इवन एक ऑड बनना पड़ेगा आपके पास, और आई थिंक इवन ऑड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 और 19 हो जाएगा आपके पास में 43। नेगेटिव है, नेगेटिव दीजिएगा, 24 और 19 का ही एक कंसेप्ट बनेगा, देन डिवाइड 6 से डिवाइड, साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो 3.1 समथिंग कुछ आएगा, 6 3 से 18 बचेगा 1, 3.1 समथिंग। कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं गाइस, ये दोनों 5 के में हैं और ये दोनों 4 और 3 में, तो आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y। आंसर क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन y, बिल्कुल सही आंसर, आंसर बी, बहुत बढ़िया। अशपथ, कीर्तन, अभिषेक, जीतू, पिंकी सिसोदिया जी, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल प्लीज। इसका फॉर्मेशन ऐसा है, इस तरीके से लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस 8 to the power 15/7 डिवाइडेड बाय y to the power 1/7। एक्चुअल में एक हम लोगों की बहुत बड़ी टीम है, तो कंटेंट राइटिंग जो लिखना है वो लिखावट का काम उन्हीं को करना होता है, और वो एक बहुत बड़ी टीम है एक पर्सन की, थोड़ा लिखावट में शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए आंसर बताइए फटाफट, मेरे हिसाब से तो कुछ दम लग नहीं रहा है सवाल में, पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वाई स्क्वायर माइनस 8 to the power 15/7 बाय y to the power 1/7। आंसर बताइए, क्वाड्रेटिक का एकदम बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल, और इस तरीके के पैटर्न बहुत पुराने पैटर्न हैं, ठीक है। मेंस के हिसाब से मैं अलग से कराने वाला हूँ, उसके लिए पूरा कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, है ना। मेंस के लिए अलग से जो भी नया पैटर्न चल रहा है, क्वाड्रेटिक, डेटा सफिशिएंसी, डेटा एनालिसिस, इस सब का पार्ट चल रहा है। आंसर ए, जीतू ने आंसर बताया ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया गाइस। देखिए मेरे भाई, इसके तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 2 की जगह पर लिखेंगे 2 और 44 को हम लोग लिख देंगे 4 इंटू कितना 11, यही इसके फैक्टर हैं 8 और कौन सा 11, 19 लग रहा है, नेगेटिव साइन, देन 2 से डिवाइड, और लास्ट में हम क्या करेंगे, साइन चेंज, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 4 एंड कितना आ जाएगा मेरे पास में 5.5।
जिस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये रहा आपके पास में x का वैल्यू। y की अगर बात करेंगे तो y का स्क्वायर माइनस 8 टू द पावर 15 बाई 7 बाय y टू द पावर 1 बाई 7 इज इक्वल टू 0 है। देखिए आपको y का वैल्यू निकालना है तो अप्रोच होना चाहिए कि आपको y को एक तरफ करना पड़ेगा। भाई y का वैल्यू अगर चाहिए तो y को एक तरफ करना पड़ेगा। तो पहले तो ये वैल्यू पूरी राइट साइड में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास में यहां पर इक्वल टू साइन आ जाएगा, जीरो हट जाएगा। गाइस आपने 8 टू द पावर 15 बाय 7 डिवाइडेड बाय y है, ये बंदा राइट साइड में जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहां पर बन जाएगा आपके पास y टू द पावर 2 इंटू y टू द पावर 1 बाय 7 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 15 बाय 7 अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं तो सर्च एंड आइडेंटिटी इसका कंसेप्ट लगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो रिजल्ट बनेगा a टू द पावर m प्लस n। सर्च एंड आइडेंटिटी इसका कंसेप्ट। तो यहां पर गाइस y का पावर बन जाएगा 2 प्लस 1 बाय 7 और यही बनेगा आपके पास में 8 टू द पावर 15 बाय 7। अलग ही इस सेंटेंस को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 प्लस 1 बाय 7 अगर आप देखेंगे तो y टू द पावर ये एलसीएम लेंगे 7 और 14 प्लस 1 15 बाय 7 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 15 बाय 7 आपका बनेगा। पावर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर कोई पॉजिटिव है नहीं, सॉरी इवन में है नहीं, इवन डिजिट अगर है नहीं तो आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है। सीधे y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 8। एक्चुअल में पावर कट नहीं होता है, वो कंपैरिजन होता है कि जब पावर सेम है, यहाँ पर दूसरा आइडेंटिटी लगा a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m, पावर सेम है तो हमें उस केस में बेस को इक्वल कर देना होता है। तो a इज इक्वल टू क्या रहेगा b। इवन होता तो पॉजिटिव नेगेटिव लेना होता है, ऑड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो y का वैल्यू आएगा 8 और x का वैल्यू एक आएगा 4 और दूसरा आएगा 5.5। सीधे आंसर आएगा x इज लेस देन y। आंसर ए आपका राइट आंसर, आंसर ए बिल्कुल सही आंसर। जीतू, अंजलि जी और अभिषेक बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है बहुत बढ़िया। अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करिएगा। और ये एक हम लोगों की ऑफलाइन बैच का एज ए हम लोग ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए बताया है। कल से हम लोगों ने एक डेमो रखा हुआ है मॉर्निंग 8 o'clock को ऑफलाइन बैच के बारे में। ये आपके पास विजय चार रास्ता पर स्टार्ट होने वाला है। कोई अगर आपके दोस्त हैं तो उनको डेमो सेशन के लिए बोल सकते हैं, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल लिखिए प्लीज। सीरीज का सवाल है आपके पास में। सीरीज बहुत आसान सवाल है आपके पास, बिल्कुल एकदम बैलेंस पेपर है। मैंने बोला ना कि आज का पेपर स्टार्टिंग में बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। सवाल लिखा हुआ है आपके पास में 14 देन 8 देन 9 देन 14.5 30 एंड नेक्स्ट टर्म निकालना है। गाइज अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो 0.5 का ही कोई कंसेप्ट लग रहा है, 0.5 का ही कोई कंसेप्ट लग रहा है। चेक करिएगा, बहुत आसान सवाल। पहले सीरीज डिक्रीज हुआ देन सीरीज इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन ई। बहुत बढ़िया कीर्तन, ऑप्शन ई। गाइज अगर आप देखेंगे तो 0.5 वाला कोई कंसेप्ट है, पॉइंट के भी जब भी सीरीज आते हैं 0.5 का कंसेप्ट है। हम लोगों ने 0.5 के 2 से 3 कंसेप्ट जो स्टैंडर्ड ऐसे लिखाए हुए हैं। एक तो मल्टीपल ऑफ 0.5 होता है, जो मल्टी 0.5 से स्टार्ट होता है। एक डिवाइडेशन का कंसेप्ट होता है ना, बहुत रद्दी पैटर्न है। अगर इस वाले बंदे को देखे तो यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई और देन 1 से एडिशन। 14 का 0.5 हो जाएगा गाइज आपके पास में 7 और 7 में 1 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। देन 1 का मल्टीप्लाई 1 का एडिशन 9 हो जाएगा। 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 एडिशन करेंगे। यही पैटर्न है आपके पास सब में, एडिशन 1 1 1 हो रहा है। 15 नाइन जो होता है 135 और 1 ऐड करेंगे तो 14.5। तो यही लॉजिक है आपका, लॉजिक कन्फर्म हुआ। देन यहाँ पर होगा 2 का एडिशन और यहाँ पर होगा आपके पास में 2.5 का एडिशन। और 2.5 का एडिशन और 1 का, सॉरी 2.5 का मल्टीप्लीकेशन और 1 का क्या करेंगे एडिशन, तो 30 × 2.5 होगा तो बनेगा 75 प्लस 1 होगा तो कितना बनेगा 76। बिल्कुल सही आंसर है, 76 एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन ई ई ई बिल्कुल सही आंसर, गुड।
नेक्स्ट सवाल प्लीज. 77, 85, 69, 101 and 37. गाइस कहीं पर कुछ प्लस माइनस चल रहा है. इस तरीके के सीरीज में दो ही पैटर्न होते हैं, या तो सीरीज जाएगा अल्टरनेट में या सीरीज जा रहा है आपके पास में प्लस और माइनस में, समथिंग कुछ एडिशन समथिंग कुछ सब्ट्रैक्शन. आंसर बताइए प्लीज फास्ट. सेशन को लाइक जरूर करिएगा. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बहुत बढ़िया. देखिए अगर देखा जाए तो पहले सीरीज इंक्रीज हुआ 77 से 85 मतलब प्लस का 8 हुआ, देन सीरीज डिक्रीज हुआ. 15 माइनस 9 करेंगे तो ये हुआ 16, 16 से माइनस किया है. लॉजिक तो पता चला, 8 के टेबल में कुछ ना कुछ चल रहा है. एक बार और देखिएगा, 31 प्लस 1 32, यहाँ पर जो गैप आएगा वो कितना आएगा आपके पास में 32. तो अल्टरनेट चल रहा है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 64 और यहाँ पर आएगा 128. यहाँ 128 माइनस एंड 64 माइनस एंड 128 क्या प्लस, बस यही आंसर है. 7 प्लस 8 आ जाएगा आपके पास में 15, केयर फॉर 1 रहा आपके पास 165 आपका राइट आंसर. ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया. ऑप्शन डी 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 बिल्कुल सही आंसर, गुड वर्क, वेरी गुड. नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए प्लीज. आपका आंसर क्वेश्चन है 20, 29, 54, 103 and 185. नेक्स्ट हम आपको बताने, एकदम बैलेंस पेपर है, एकदम रद्दी पेपर है, ठीक है. मुझे लग रहा है कि क्लेरिकल लेवल का पेपर है और है भी क्लेरिकली, क्योंकि उसमें है ही क्या. बहुत आसान पेपर, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, अभिषेक एंड हितेश, ऑप्शन ई. गाइज अगर देखेंगे तो सीरीज प्रॉपर इंक्रीज हो रहा है. सीरीज में या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या डिफरेंस हो सकता है. मल्टीप्लिकेशन लग नहीं रहा है, एक बार डिफरेंस चेक करिएगा. यहां पर रहा 9 से बड़ा. यहां पर अगर देखेंगे तो आपके पास में 30 और ये होगा आपका 15 से बड़ा हुआ है, 25 से बड़ा हुआ है, ठीक है. यहाँ पर अगर देखेंगे आपके पास में तो 9 और रहा नेक्स्ट वन 49. तो सारे स्क्वायर चल रहा है. सीधे देखा जाए तो स्क्वायर पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ पर सारे ऑड नंबर का स्क्वायर है. तो यहाँ पर गैप आएगा 3, 5 और 7, तो यहाँ पर आएगा 9 और उसके बाद में यहाँ पर आ जाना चाहिए 11, 121, है ना, 9 का स्क्वायर और यहाँ पर आना चाहिए 11 का स्क्वायर, 121 ऐड कर दीजिएगा. 4 प्लस 1 रहा 5 और ये रहा 10 और रहा 3, 305. ऑप्शन ई आपका सही आंसर, एग्जैक्ट सही आंसर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए, नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए. बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड. और इसके बाद अर्थमेटिक के लिए रेडी रहिएगा. एकदम बैलेंस सवाल है, एकदम बैलेंस पेपर है. देखिए 7, 8, 18, 57 नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, 1165. स्टार्टिंग से ही लॉजिक पता चल जाएगा, कुछ है ही नहीं सवाल में. ऑप्शन सी 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 बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया गाइस. देखा जाए तो सीरीज में या तो मल्टीप्लिकेशन है या फिर क्या है आपके पास में, सीधे आई थिंक मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, डिफरेंस भी जा सकता है पर मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे लग रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन लगाइए. देखिए 7 का 1 टाइम्स प्लस 1, 2 टाइम्स प्लस 2 एंड 3 टाइम्स प्लस 3 लग रहा है आपके पास. 18, 3 जा 54 प्लस 3, 57 तो यहां पर रहेगा आपके पास में 4 टाइम्स प्लस 4, 4, 7 जा 28 केयर फॉर 2, 20 प्लस 2 22 प्लस 4 आपके पास में और ऐड करना पड़ेगा तो 232 आपका राइट आंसर. 232 बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसके बाद अर्थमेटिक के लिए रेडी रहिएगा. 5, 7, 18,
47103 नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, 103 है नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, 57 1847 एंड 103 नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। एकदम बैलेंस सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कुछ दम नहीं है। या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, एकदम बैलेंस पेपर है। आंसर सी, अच्छा इसका भी आंसर सी, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए गाइस, अगर हम डिफरेंस की बात करें, मल्टीप्लिकेशन आई थिंक मुझे लग नहीं रहा है, अगर ये टू टाइम्स करेंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर टू टाइम्स में प्लस करना पड़ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन जाने की संभावना कहीं लग नहीं रही। डिफरेंस एक चेक करिएगा, यहाँ पर डिफरेंस आया टू, देन डिफरेंस रहा आपके पास में 11, देन डिफरेंस रहा आपके पास में 29 और 17 माइनस 8 और यहाँ रहा 3, बिल्कुल 29, और यहाँ पर डिफरेंस रहेगा आपके पास में 6 और बनेगा 5 56। यहाँ पर कौन डिफरेंस मिले तो काम बन जाए। गाइस पहली बार जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए और इसके अलावा क्वेश्चन, जैसे ही फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंस निकाला सीरीज वन में, तो उससे तो कोई अभी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दीजिए, इसमें एक बार एक प्रॉपर चीज़ ये जरूर हुई है कि सारे नंबर कंटिन्यूस या तो बढ़ रहे हैं या फिर सारे कम हो रहे हैं, तो प्रॉपर बैलेंस में चल रहा है सवाल, डिफरेंस का डिफरेंस में जा सकता है। एक बार डिफरेंस और निकालिएगा, यहाँ पर अगर हम लोगों ने डिफरेंस लिया तो 9, देन यहाँ पर डिफरेंस रहा आपके पास में 18, नेक्स्ट वन डिफरेंस रहा 27, बस कहानी हो गई ख़त्म। 9 के मल्टीपल में चल रहा है, 9 18 27, तो यहाँ पर डिफरेंस रहेगा 36, डिफरेंस के डिफरेंस से आंसर आए। 56 में पहले 36 हम क्या करेंगे आपके पास में ऐड, तो यहाँ पर बन जाएगा 12, कैरी फॉर 1 तो रहा 92, एक्स का यहाँ पर वैल्यू आएगा 92, 92 आपको 103 में क्या कर देना है ऐड, तो 92 103 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 195, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ये एक DI है, कुछ प्रोडक्शन और डिमांड की आपसे बात कर रहा है। मैं पहले अपने आप को हटा लेता हूँ कि आपको प्रॉपर DI समझ में आए, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से DI दिखे। कुछ प्रोडक्शन और डिमांड की वो बात कर रहा है, अच्छे से उसको प्रॉपर स्टडी करें, एक बार डेटा देखिएगा, एक ग्राफ है वो शो कर रहा है प्रोडक्शन और एक ग्राफ है वो शो कर रहा है आपके पास में डिमांड, ठीक है। 2016 की आप बात कर रहे हैं, आपके पास गिवन बिलो द डिमांड्स इन प्रोडक्शन ऑफ 6 ब्रांड्स इन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इन द ईयर 2016, ठीक है, और उसका पहला सवाल आपके पास में, इफ द डिमांड फॉर ब्रांड सी प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 75% देन टू मीट द डिमांड प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, तो आपको प्रोडक्शन को कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, ये आपका सवाल है। बहुत आसान सवाल है, बहुत बैलेंस सवाल है, वाकई में प्रीलिम्स लेवल सवाल, और डेटा एक बार अच्छे से देखिएगा, इनकेस अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2200 है, देन 3200, देन 2800, हितेश एंड रिक्की आंसर बी, बहुत बढ़िया गाइस, आंसर बी, हितेश आंसर बी, रिक्की आंसर बी, बहुत बढ़िया गाइस, आंसर हो सकता है। अच्छे से प्रॉपर तरीके से सवाल को समझिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन को सोल्व करें। डेटा को रीड करने में कहीं प्रॉब्लम जा रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ग्राफ अगली बार सोर में बड़ा ग्राफ लेके आऊंगा। आंसर बी, हितेश, मेहुल, अंजलि जी, जीतू, बहुत बढ़िया गाइस। देखिए
तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गंगा सर वापस प्रकट हो जाइए और देखिए, बहुत ही बैलेंस सवाल है आपके पास में। गिवन बिलो द डिमांड इन द प्रोडक्शन ऑफ 6 ब्रांड्स, 6 ब्रांड का डिमांड और प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या बोला, इफ द डिमांड फॉर ब्रांड सी प्रोडक्ट इंक्रीज बाय, डिमांड बढ़ रही है बाय 75%। गाइस एक बात बताइए, ये है प्रोडक्ट सी, इसमें प्रोडक्शन जो है इसका वो है 3300 और जो डिमांड है वो है आपके पास में 2800, ये आपसे बोला हुआ है। अब आपसे बोला है कि डिमांड को 75% से इसको इंक्रीज किया जा रहा है, डिमांड को 75% से इंक्रीज किया जा रहा है। टू मीट द डिमांड, डिमांड मिल जाए, द प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। तो अभी जो मेरा प्रोडक्शन है 3300, इसको कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले तो ये पता चले कि आखिरकार डिमांड है कितनी, जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो 2800 है और उसका 75% निकालना है, वो बढ़ जाएगा। तो 3/4 अगर मैंने निकाला आपके पास में 2800 का, तो मुझे पता है कि ये बनेगा 7 और 2100 आपको बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है? 2100, यानी कि डिमांड अब हो जाएगी 4900, जो न्यू डिमांड होगी वो हो जाएगी 4900। आई होप यहां तक क्लियर, बातें समझ में आ रही है। गाइस एक बात बताइए, ऑलरेडी आपके पास में प्रोडक्शन 3300 है, तो आप चाहेंगे कि जितना डिमांड है उतना हम प्रोडक्शन कर दें, मतलब मुझे प्रोडक्शन को 4900 बढ़ाना है। और अगर प्रोडक्शन को 4900 अगर बढ़ाना है, तो इसका मतलब 3300 से 49 आना है, 33 से 49 आए तो दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा, तो यहां पर बढ़ेगा आपके पास में कितना, 16, 9-3 विच इज 6 और बना 16। कहां से बढ़ेगा आपके पास में 1600, कहां से बढ़ेगा 3300 से, मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करिएगा, अभी डिविजिबल है नहीं, वैसे भी पॉइंट में आंसर दिया है। पहले 11 से उड़ा दीजिए, 11 से कितना रहा, 3 टाइम्स, 11 से उड़ा दीजिएगा, 11 से 1 टाइम्स, रिमेनिंग बचेगा आपके पास में 5, होगा 50, 11 से 4 टाइम्स, 44, रिमेनिंग बचा 6, 60, 11 से 5 टाइम्स, रिमेनिंग बचा आपके पास में 6 और रहेगा आपका 5 टाइम्स। अगेन 3 से उड़ा दीजिएगा, 3 4 12, रिमेनिंग बचा आपके पास 2, 3 8 24, रिमेनिंग हुआ 1, 3 5, 48.5 के आसपास आंसर आएगा, 48.5 आप लगा सकते हैं, 48.4 या 48.5, बहुत बढ़िया आंसर, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्लीज, आंसर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, गाइस 12 आपसे बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन को एनालिसिस करिए प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है उसको फिर समझिएगा, इतना क्लियर है। फिर कैलकुलेट करें, प्रॉपर समझे, पहले तो क्वेश्चन में बोला क्या है, ब्रांड ए इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन टू मीट इट्स डिमांड। एक ही बात कर रहा है आपके पास में, ए जो है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहा है, 1400 उसका अभी प्रोडक्शन है और डिमांड है उसकी ज्यादा, उसका प्रोडक्शन जो है गाइस वो प्रोडक्शन है 1400 और डिमांड है आपके पास में 2200। अब आपसे बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ब्रांड ए है इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन टू मीट इट्स डिमांड विथ एवरी 160 यूनिट प्रोड्यूस, द ब्रांड इंक्रीज इट्स प्राइस, प्राइस की बात कर रहा है, रेट बढ़ रहा है, हर 160 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन पर वो प्राइस बढ़ा देगा, और कितना बढ़ा देगा, 10% से प्राइस बढ़ा देगा, ठीक है भाई, 10% से प्राइस बढ़ा देगा, ठीक है। अच्छा सवाल आप बोल सकते हैं, बढ़िया सवाल बोल सकते हैं, आंसर सी, बहुत बढ़िया हितेश। इफ द अर्लियर प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट
वॉज स्टार्टिंग में किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 5,000, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो उस न्यू प्राइस कितना बनेगा उस प्रोडक्ट का, ये आपका सवाल है। ठीक ही सवाल आप बोल सकते हैं, इस डीआई का मैं ठीक सवाल इसको बोल सकता हूं, क्योंकि नॉर्मल से एडिशन सबट्रैक्शन तो कोई भी कर लेगा यार। नॉर्मल ऐसा एडिशन सबट्रैक्शन तो कोई भी कर लेगा। देखो क्या बात है, अब तक आंसर सिर्फ एक ही बंदे का आंसर। देखिएगा इस ब्रांड ए की बात कर रहा है, इंक्रीज द प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन जो है वो है अभी 1400 यूनिट और ये 2200 यूनिट डिमांड है इसकी, यानी कि देखा जाए तो 1400 से 2200 बनाना चाह रहा है, तो 800 यूनिट इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 800 यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन भाई? जितना डिमांड है उतना वो प्रोडक्शन अपना चाहता है, तो 800 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। अब उसने क्या बोला, ठीक है भाई बढ़ा देंगे, पर उसने यहां पर एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? विथ एवरी 160 यूनिट द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट द ब्रांड इंक्रीज प्राइस 10%। आपसे बोला गया है कि हर 160 यूनिट जैसे ही वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, पुराने के रिस्पेक्ट में वो 10% से उसके प्राइस को बढ़ा देगा। तो हर 160 यूनिट पे बात करें, अब अगर देखा जाए, और स्टार्टिंग में उसने बोला कि द अर्लियर प्राइस वाज 5000, अर्लियर में जो रेट था गाइस वो 5000 रेट था पर यूनिट। तो जब आपके पास में 2200 का यूनिट, 2200 जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसका रेट क्या होगा? अब इस सेंटेंस हमें सिर्फ ये देखना है कि 5000 रुपए तो रेट था अर्लियर, हमें बढ़ाना कितनी बार है, बस ये पता चल जाए तो काम बन जाए। हमें रेट बढ़ाना कितनी बार है ये हमें देखना है। तो गाइज एक बात बताइए, 800 बढ़ाना है, हर 160 यूनिट पे 10% बढ़ाना है, तो मैं अगर ये देखूं कि 160 के सेगमेंट कितने हैं इसमें, तो इसको 160 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा 5 बार रेट बढ़ेगा। कितनी बार बढ़ेगा मेरे भाई? 5 बार रेट बढ़ेगा, ठीक है, 10% से। अब या तो इसमें कंपाउंड रेट का कंसेप्ट लगा दो 5 साल का 10% से, नेट चेंज परसेंटेज लगा दो, बहुत सारे तरीके इस सवाल को सोल्व करने हैं। 10% से पहले सेगमेंट में 5% 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, और लास्ट में 10% बढ़ेगा। अगर इन दोनों को मैं नेट चेंज परसेंट से बात करूँ तो ये बन जाएगा 21%, इनका खुद का हो जाएगा 21%। अगेन इन दोनों में मैंने नेट चेंज परसेंटेज लगा दिया तो 21 + 21 + 441 / 100, तो ये हो जाएगा 42 + 46.41%। ये 4 बार बढ़ने के बाद हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी लगा सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है 4 साल का जो तरीका हम लोगों ने देखा था 4641 होता है, तो यही तो है वो 4641। 5 साल के लिए जो होता है वो क्या होता है, 5, 10, फिर आपके पास में 10, 5, 1 होता है। आप ये तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैं जस्ट बेसिक कंसेप्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार नेट चेंज परसेंट और मुझे लगाना है। बहुत अच्छा सवाल आप बोल सकते हैं, ठीक ही लेवल का सवाल बोल सकते हैं। 4 बार बढ़ने पर ये बढ़ चुका है 46.41, और एक आखिरी में 10 टाइम्स और मुझे बढ़ाना है, 10% और बढ़ाना है। अगेन मैंने नेट चेंज परसेंटेज लगाया तो आप क्या बोलोगे कि बॉस 46.41 हुआ x और 10% हुआ y, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो बनेगा 4641 और बाय 100 लगेगा तो यहां पर आ जाएगा 4.641। अगर आप लोगों ने एडिशन किया तो यहां पर हुआ आपके पास में 4 और 10 हो जाएगा 14, 46.41 में हम लोगों ने 14.641 ऐड कर दिया, इतने परसेंट से फाइनली बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये तरीका मैं बता चुका हूँ, आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, ये यही बनेगा 5, 10, 10, 5, 1 ही बनेगा, बस डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, इतना क्लियर, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बनेगा 1, 5, ये रहा 10, 10 + 1 = 11 और रहा आपके पास में 5 और 1 = 6।
तो कुछ गड़बड़ कर दी है क्या आपके पास कैलकुलेशन में? हाँ ठीक है, एडिशन उसी के साथ में हो गया। ठीक है, अब यहां पर डेसिमल आ गया 61.051% से आपका फाइनल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इतना निकाल दीजिए 5000 का। आपने अगर ये परसेंटेज है आपके पास, आपने अगर निकाला 61.051% ऑफ 5000। गाइज एक बात बताओ, परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा और डेसिमल एक लग जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। 5 25 कैरी फॉर 2 और ये रहा 2 5 और 30। आपको बताया कि डेसिमल के बाद में यहां पर आ रहे 3 डिजिट, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे 1 2 3। आपको प्राइस इंक्रीज कर देना है 3052.5 रुपीज से। 5000 था ऑलरेडी, 5000 मेरे पास में था ऑलरेडी, 3052.55 बढ़ेगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 8052.55। बिल्कुल सही आंसर, 8052.55, आंसर डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। अच्छा सवाल आप बोल सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इसमें कितनी बार आपको 10-10 बढ़ाना है, और अच्छा हुआ है उसमें 10% दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें कंपाउंडर्स का तरीका लगा सकते हैं, कंपाउंड, क्योंकि जब ये चीज़ें हैं तो कंपाउंडर्स का तरीका लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 10% निकालना। तो वहां से भी मैं कंपाउंडर्स के कंसेप्ट से भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, अगर इसमें कंपाउंडर्स का कंसेप्ट हम लोगों ने लगा दिया है तो 5 ईयर के लिए कंपाउंडर्स निकालने का जो तरीका हम लोग यूज करते हैं, ये मैं स्टार्टिंग में लिखा चुका होगा, 5 ईयर के लिए तरीका यूज करते हैं हम लोग 5 10 10 5 1। अब एक बात बताइए, हम लोग क्या करेंगे भाई, 5000 रुपये का सबसे पहले 10% निकालेंगे, और 5000 का 10% आएगा आपके पास में कितना, 500। इसका वापस से 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 50, इसका वापस से 10% निकालेंगे तो आएगा 5, इसका वापस से 10% निकालेंगे तो 0.5, और इसका 10% वापस निकालेंगे तो 0.05। आखिरी में मल्टीप्लाई करना था आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा 2500, यहां पर बन जाएगा मेरे पास में कितना 500, यहां पर बनेगा आपके पास 50, ये बनेगा 2.5 और आखिरी में होगा 0.05। सबको ऐड कर दीजिए, 2500 और 5 होगा 3000, ये हो गया 52.55। तो वैसे भी आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, पर ये कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार बढ़ाना कितनी बार है। कैलकुलेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहां से इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली कंपाउंडर्स के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड, अच्छा सवाल, पूरे डीआई का बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल प्लीज। द डिमांड फॉर ब्रांड डी प्रोडक्ट फेल देन न्यू डिमांड इज 20% लेस देन इट्स प्रोडक्शन। न्यू डिमांड जो है, जो डी की बात कर रहा है, तो न्यू डिमांड जो है वो प्रोडक्शन से 20% लेस है। प्रोडक्शन से क्या है, 20% लेस, देन फाइंड व्हाट परसेंट डिमांड फेल। तो कितने परसेंट डिमांड फेल हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ है नहीं। देखिए गाइस, डिमांड था इनिशियली आपका 5000, डिमांड था इनिशियली कितना, 5000। नई न्यू डिमांड जो है वो प्रोडक्शन से 20% कम हो गया। प्रोडक्शन है मेरे पास में 4500, इसका 20% मतलब कि 1/5 मतलब 900 से कम हो गया, मतलब 3600 डिमांड हो गया। तो भाई कितना कम हुआ है, तो 1400 कम हुआ है। कहां से कम हुआ है, 5000 से कम हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, इतना 40 से आपका 40 कैंसिल, तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 28% से डिमांड क्या हुआ है, डिक्रीज। आंसर ए, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। जीतू, मिक्की, मेहुल, अंजलि जी, रिक्की, बहुत बढ़िया गाइस, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल
नेक्स्ट सवाल का आंसर देने की कोशिश करिएगा फास्ट। ब्रांड बी डिक्रीज इट्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू मीट डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। देखिए क्या हो रहा है आपके पास में कि जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जा रहा है, ऐसा बोल रहा है कि भैया हम अपने प्राइस को कम कर रहे हैं। देखिए ब्रांड बी डिक्रीज प्राइस, प्राइस को कम कर दिया है ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, बात हो रही है आपके पास में बी की, ठीक है। और व्हेन द प्राइस डिक्रीज बाय 12%, जब रेट आपका बोला है कि रेट 12% से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। पहले सवाल को समझिएगा, प्राइस की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है। द डिमांड इंक्रीज बाय 25%, जब रेट कम हो गए तो डिमांड इंक्रीज हो गई, और कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई, 25% से। When the if the ratio between new price and new demand is 11:20, आपसे बोला गया है कि new rate और new demand का ratio है 11:20, then find the price of the product before decrease, मतलब original rate बताना है, क्या बताना है आपके पास में, ओरिजिनल रेट बता के चलना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। देखिए गाइस, आपके पास में बोला गया है कि न्यू रेट और आपके पास में न्यू डिमांड का रेशियो दे दिया, उस न्यू रेट और न्यू डिमांड का रेशियो दिया हुआ है, और मुझे बोला गया है कि ओरिजिनल रेट को हमने 12% से क्या कर दिया था, डिक्रीज, और उसकी वजह से डिमांड क्या हो गई थी आपके पास में, बढ़ गई थी। तो समझिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल रेट जो है, ओरिजिनल रेट लेट अगर ₹1 है, अगर ओरिजिनल रेट ₹1 है, 12% से रेट क्या हो रहा है, कम, तो 12% से अगर रेट कम करूंगा तो रेट हो जाएगा 88% ऑफ एक्स। ये हो गया मेरा न्यू रेट, क्योंकि मैं रेशियो क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा दिया है वैसा बना रहा हूँ। मेरा ओरिजिनल रेट अगर एक्स है, रेट 12% से कम हुआ, और रेट 12% से कम हुआ तो न्यू रेट हो जाएगा मेरा 88%, इसका रेशियो दिया है। न्यू डिमांड गाइज, आपको बताया है कि डिमांड 25% से बढ़ गया है, मुझे बी का डिमांड कितना था पहले वो देखिए, बी का डिमांड था 3200, और इसका 25% से बढ़ा देना है। अगर आप इसका 25% निकालेंगे आएगा 1/4, मतलब 800 बढ़ाएंगे तो 4000 हो जाएगा डिमांड, तो ये बनेगा आपके पास में 4000। ये हो गया न्यू रेट बाय न्यू डिमांड, और आप बता रहे हो न्यू रेट बाय न्यू डिमांड का रेशियो है 11:20, बस कहानी खत्म। न्यू रेट बाय न्यू डिमांड हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, वही आपका आंसर है, ठीक है। इसका परसेंटेज रिलीज करूंगा तो डिवाइडेड बाय 100 एक्स्ट्रा लगेगा, आप कैलकुलेट करिएगा 11 से डिवाइड हुआ कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 से डिवाइड हो गया आपके पास में कितना, 500, 0 आपका बंदा कैंसिल आउट हुआ, 2 से डिवाइड किया 2500, तो x का वैल्यू आएगा 2500, जो ओरिजिनल रेट आएगा वो कितना आएगा, 2500। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया गाइस। नेक्स्ट सवाल, और इस डीआई का आखिरी सवाल, द प्रोडक्शन ऑफ ब्रांड ई एंड एफ टुक टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिमांड, दोनों का प्रोडक्शन, दोनों के डिमांड का कितना परसेंट है। दोनों का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो दोनों का प्रोडक्शन 3500 एंड 4400, प्रोडक्शन हो जाएगा आपके पास में 7900, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड, डिमांड है 28 और 36, अगर हम लोगों ने ऐड किया 8 + 6 = 14, केयर फॉर 1 रहा आपके पास में 6, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट बोला, आप व्हाट परसेंट लगा दीजिए।
डेसिमल में इसको कुछ वैसे तो डिविजिबल की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा 8 से ही डिवाइड कर दीजिए या 16 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज़ मैंने अगर 8 से डिवाइड किया, मैं इधर जा सकता हूँ 5-4 से डिवाइड करके, पर उसका कोई मतलब नहीं। 8 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, 8 से 9 टाइम्स 72, रिमेनिंग बचा आपके पास 7, 8 8 64, रिमेनिंग बचा 660 हो गया, 8 7 0.5 रहेगा। अगेन 8 से उड़ा दीजिएगा, 8 से 1 टाइम्स, रिमेनिंग बचा 1, 8 2 16, रिमेनिंग 2, 8 3 24, 123 के आसपास आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 123। आंसर सी सही आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 120। जीतू, मेहुल और मिक्की, रिक्की, अभिषेक और अमी, नेक्स्ट सवाल है गाइस, एरिया वॉल्यूम का सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, सोल्व करिए जरा प्लीज। द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ टू सिलेंडर इज, इन द रेशियो, दो सिलेंडर का हाइट को रेशियो दिया है, देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो, देन फाइंड देयर रेडियस। मतलब दो कोड़ी का सवाल, आपको अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सवाल। आपको रेडियस का रेशियो चाहिए सिलेंडर का डायरेक्ट, और याद रखिए बैंकिंग में इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत हाई फाई लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये दो कोड़ी का सवाल है, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है सवाल का। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3GM4, बहुत बढ़िया जीत, 3GM4, ऑप्शन सी। देखिए उसने क्या बोला, रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ टू सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है और एक ये बड़ा वाला सिलेंडर, मैं बता देता हूँ जिस तरीके से उसने बोला। अगर इसका हाइट 3 सेंटीमीटर है तो इसका हाइट 5 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ हाइट दिया है, एंड देयर वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम का रेशियो 27 और 80, तो इनका रेडियस बताना है। इसका रेडियस मैंने स्मॉल ऑफ आर बोला, इसका रेडियस कैपिटल ऑफ आर बोला। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। गाइस एक बात बताइएगा, अगर मैं पहले वाले का वॉल्यूम निकालूंगा तो पाई तो अपनी जगह पर, आर स्क्वायर इंटू एच मतलब 3, यहां पर रहेगा पाई हमारी सेकंड वाले में, कैपिटल ऑफ आर स्क्वायर इंटू एच 5। ये हुआ वॉल्यूम फर्स्ट टू वॉल्यूम सेकंड, और वॉल्यूम फर्स्ट टू वॉल्यूम सेकंड का रेशियो ये, पाई से पाई वैसे भी कैंसिल आउट होगा, 3 से डिवाइड करें कितना बनेगा 9, 5 से डिवाइड करें कितना बनेगा 16, तो R by R जो रहेगा वो रहेगा 3/4। बिल्कुल सही आंसर, आंसर सी बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल है। बी इज 20% एफिशिएंट देन ए, 20% के साथ कोई मोर और लेस नहीं लगा हुआ है, बी इज 20% एफिशिएंट देन ए, बी स्टार्ट द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज, बी ने एक वर्क शुरू किया एक्स डेज तक, एंड देन बी इज रिप्लेस बाय ए, और फिर बी ने बी को रिप्लेस किया गया है ए के द्वारा, एंड ए कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 डेज, और रिमेनिंग वर्क को एक्स प्लस 8 डेज में कंप्लीट हो गया। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय बी ए एंड बी इज 3GM2, टोटल वर्क का पार्ट है आपके पास में वो 3GM2 का रेशियो है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टूगेदर टू कंप्लीट द वर्क, दो कोड़ी का सवाल है भाई, कुछ बड़ी बात है नहीं, आंसर बताइए प्लीज। टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल है, और इस तरीके के सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही बैलेंस सवाल। आप बोलिएगा, सबसे पहले आपको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी का रेशियो पहले दे दिया, एक्स का वैल्यू निकलेगा तो आएगा डेज, उस डेज से आएगा टोटल वर्क, क्योंकि जब एफिशिएंसी पता होगा, एक्स डेज पता होगा तो वर्क निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए बी इज 20% एफिशिएंट देन ए, तो अगर हम बात करें ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो, तो ये अगर 5 है तो बी होगा 1, ए का एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा आपके पास में 1। अब देखिए उसने क्या बोला, ये है एफिशिएंसी का रेशियो, अब हमें एक्स निकल जाएगा तो वो पता चलेगा टाइम कि आखिरकार टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है। उसने बोला है, एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करिए, उसने बोला बी स्टार्ट वर्क, बी ने वर्क स्टार्ट किया एंड डू इट फॉर एक्स डेज, एक्स डेज तक वर्क किया, एंड देन बी इज रिप्लेस बाय ए, और फिर बी को रिप्लेस कर दिया गया ए के द्वारा,
एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क को ए कर रहा है एक्स प्लस 8 डेज, ये टाइम है। और आपसे बोला गया द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी, टोटल वर्क ए ने किया और टोटल वर्क बी ने किया, वर्क का रेशियो दिया है आपके पास में 3:2। गाइज एक बात बताइए, ए का एफिशिएंसी अगर 5 है और ए ने एक्स प्लस 8 डेज तक वर्क किया तो टोटल वर्क हुआ 5 वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। भाई टाइम इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये है एफिशिएंसी और टाइम है एक्स प्लस 8। तो ये है वर्क डन बाय ए, एंड वर्क डन बाय बी क्या रहेगा, एफिशिएंसी 1 इनटू टाइम एक्स, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और यही वर्क का रेशियो है 3:2, यही वर्क का क्या है रेशियो 3:2। आंसर आ चुका है, कुछ बचा नहीं है, आप कैलकुलेशन करेंगे बेसिक। 2 को मैंने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, एक्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, तो ये बनेगा टेन ऑफ एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू रहेगा 3 ऑफ एक्स। बॉस कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है, अदरवाइज एक्स का वैल्यू नहीं आएगा। तो 20% के साथ मोर आना चाहिए, हाँ क्वेश्चन गलत है, एक बार मैं वापस चेक कर लूँगा, 20% मोर आएगा तो ही इसका आंसर आएगा, अदरवाइज एक्स का वैल्यू नहीं आएगा। हाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ थोड़ा सा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन लिखते समय थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके में इसको मोर कर लीजिए, 20% क्या करिएगा मोर, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और मतलब नेगेटिव वर्क क्या कैसे हो सकता है, ठीक है। हाँ गलत है मेरे भाई क्वेश्चन, 20% के साथ में क्या आएगा मोर आएगा, बिल्कुल सही आंसर, 20% के साथ में यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मोर, अपडेट कर लीजिए प्लीज़, 20% के साथ में मोर लगाना पड़ेगा, मतलब एफिशिएंसी ऑफ बी जो हो जाएगी वो इस तरीके का सवाल हो जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5:6। सवाल पूरा का पूरा वही है समझने वाला, बी ने वर्क स्टार्ट किया एक्स डेज तक किया, ए ने वर्क फिनिश किया एक्स प्लस 8 डेज, ए का एफिशिएंसी 5 है और वर्क है आपके डेज है 8 एक्स प्लस 8, बी का एफिशिएंसी 6 है और टाइम है आपके पास में एक्स, वर्क डन बाय बी एंड वर्क डन बाय ए, ए एंड बी और ए एंड बी आप बता रहे हो, ये बनेगा आपके पास में वर्क का रेशियो 3:2, इनका टोटल वर्क का जो रेशियो है वो कितना है आपके पास में 3:2, तो वर्क का रेशियो 3:2 कर दीजिए, वर्क डन बाय ए एंड वर्क डन बाय बी, 2 से डिवाइड किया तो ये बंदा बना आपके पास में कितना 3, राइट साइड में जाएगा आपके पास में तो 3×3=9x होगा, तो 5x प्लस 4d इज इक्वल टू बनेगा 9 ऑफ एक्स, तो ये बनेगा आपके पास में 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4d विच इज x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू क्या आएगा 10। बहुत बढ़िया गाइस, अब मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा, एफिशिएंसी ऑलरेडी मेरे पास पता है, तो गाइज एक बात बताइए, वर्क तो यहीं से मिलेगा टोटल, एक्स का वैल्यू 10 आया तो वर्क कितना होगा, अगर वर्क की बात करें बी ने 10 दिन तक किया है, एक्स का वैल्यू 10 आया है, बी ने 10 दिन तक वर्क किया है और ए ने 18 दिन तक वर्क किया है, बी का एफिशिएंसी 6 है, 10 डेज तक वर्क किया मतलब 60 वर्क किया बी ने और 90 वर्क किया ए ने, तो टोटल वर्क हुआ 150, इसको करेंगे ए एंड बी, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू आएगा वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आएगा 11, बस 150 डिवाइडेड बाय 11 आंसर बी सही आंसर। पहले तो वो अपडेट करिएगा, सिंपल सा थोड़ा सा अपडेशन है सवाल में कि 20% के साथ में क्या लगाना पड़ेगा मोर जी, सबको क्लियर है तो एक बार थंब इंप्रेशन दीजिएगा प्लीज, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा, सब बंदों को अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार थंब इंप्रेशन दीजिएगा और नेक्स्ट सवाल के लिए रेडी रहिएगा, अर्थमेटिक का एकदम बैलेंस सवाल है, कोई दम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्लीज, टाइम टेकन फॉर कवरिंग एक्स किलोमीटर बाय डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 किलोमीटर इफ इज अप स्ट्रीम। आपसे बोला गया है, बहुत बढ़िया, वेरी थैंक यू सो मच, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना,
सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नई बैच जो फ्री हम लोग लेकर आ रहे हैं उसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। चलिए गाइस आंसर बताइए। द टाइम टेकन फॉर कवरिंग x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। गाइस आपसे बोला गया है कि x किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन में जा रहा है वो इक्वल टू है x माइनस 18 किलोमीटर अप वाला टाइम। अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आर लेस देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड। बहुत प्यारा सवाल। अगर डाउन वाला जो स्पीड है उससे 6 किलोमीटर कम है अप वाला स्पीड, मतलब देखा जाए तो u और v का डिफरेंस दिया है 6, u और v का डिफरेंस दिया है 6। फिर बंदे ने बोला है, मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ कराने की जरूरत है इसमें, फिर भी देख लीजिएगा। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गाइज मतलब x की वैल्यू दी है आपके पास में 15 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू कितना दी है 15 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले तो गाइज एक बात बताइए, u और v का वैल्यू देखिएगा। आपके पास x पता है तो y निकालिए। y में आपको पता है कि u स्पीड ऑफ डाउन, स्पीड ऑफ डाउन आता है x प्लस y। स्पीड ऑफ डाउन जो आता है वो क्या आता है आपके पास में x प्लस y। तो अगर मैं u की बात करूंगा तो ये रहेगा x प्लस सॉरी y, x तो 15 दे दिया उसने। यहां से पहले हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। u होता है आपका x प्लस y और v होता है आपके पास में x माइनस y और इन दोनों का डिफरेंस दिया है कितना 6। यहां तक क्लियर? उसने क्लियरली बोला है अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आर लेस देन डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड मतलब हम जनरली उसको v बोलते हैं, v कम है u से कितना 6 किलोमीटर पर आर। u आता है x प्लस y और v आता है x माइनस y। जब माइनस अंदर जाएगा तो 15 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2y का वैल्यू 6 है तो हम सीधे बोल सकते हैं कि y का वैल्यू आएगा 3 किलोमीटर पर आर। y का वैल्यू कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आर। लगभग आंसर आ चुका, कुछ बचा नहीं है। y की वैल्यू तक कोई कन्फ्यूजन मेरे भाई? हाँ सबको क्लियर है y की वैल्यू तक कोई कन्फ्यूजन? कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं और अगर समझ में आया तो थम इम्प्रेशन जरूर दीजिए। अब टाइम को इक्वल कर दो, उसने बोला टाइम सेम है। एक्स किलोमीटर आप जा रहे हो, टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्स किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो स्पीड यूज़ करोगे यू, यू मतलब एक्स प्लस वाई। एक्स से 15, वाई 3 तो बनेगा 18। ये रहा टाइम डाउन और यही टाइम बराबर है एक्स माइनस 18 जा रहे हो आप अप स्ट्रीम में जाओगे तो एक्स माइनस वाई यूज़ करोगे, x माइनस वाई रहेगा आपके पास में कितना 12। बस कहानी ख़त्म। 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये रहा 3 और 6 से डिवाइड किया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 54। तो x का जो वैल्यू रहा वो आपका रहेगा 54। x की जो वैल्यू आई है वो आई है d। बिल्कुल सही आंसर, गुड। नेक्स्ट सवाल प्लीज। अ सम ऑफ 91,000 इज बोरोड एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ द अमाउंट इज टू बी पेड इन 2 years देन द अमाउंट विल बी, मतलब 2 साल का कंपाउंड बताना है। अब इसमें मैं क्या करा दूं यार, 2 साल के लिए तरीका पता है 2-1 हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्टली 44% भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, 91,000 का अगर हम 20% निकालेंगे है ना, 44% बोल सकते हैं, 44 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो परसेंटेज से 00 चला जाएगा, 00 बचेगा आपके पास 92 और आपके पास में 18। इसका वापस से 20% निकाल दीजिएगा, 00 चला जाएगा आपके पास तो बनेगा 0 और रहा 2 36। आखिरी में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रहा 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा 4, यहाँ पर आएगा 4 और 36 प्लस 3640 ऐड कर दीजिए, 40 तो अपनी जगह पर रहेगा, 6 प्लस 4 10 कैरी फॉर 1 36 और 1 किया हो जाएगा 40। 40,040 रुपये, 40,040 रुपीज़ इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है,
91,000 में, क्योंकि अमाउंट बताना है आपके पास में, तो ये रहेगा 13, आंसर 1,31,040 रुपीज़। आंसर कुछ गलत कर दिया क्या, 40 रुपये अपनी जगह पर रहेगा। जीरो अपनी जगह पर, 1,31,04। आंसर डी आपका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, आंसर डी 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 डी। जीतू मेहुल एंड रिक्की राहुल पटेल, सिसोदिया पिंकी जी, बहुत बढ़िया आंसर डी, बिल्कुल सही आंसर है ना। बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट सवाल प्लीज, नेक्स्ट सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बैलेंस सवाल। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर इस अलग से कोई डिफरेंट क्वेश्चन चाहिए, जैसे पैटर्न के क्वेश्चन चाहिए, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, इफ एन आर्टिकल इज मार्क 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस, सिंपल सा सवाल है कि जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 140 हो जाएगा आपका एमआरपी, इस चीज को मार्कअप प्राइस बोलते हैं। इफ द डिस्काउंट इज ऑफ एक्स परसेंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, भाई इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं एक्स परसेंट का, अब ये एक्स कुछ वैल्यू होगी 2%, 5%, 10%, और एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद वो वैल्यू बन जाएगा आपके पास में सेलर के लिए सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया ऑफ द आर्टिकल, देन फाइनल प्रॉफिट ऑफ 12% इज ऑब्टेन्ड, तो प्रॉफिट हमें होता है किस पर, आपके पास कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 112 है, भाई 12% का प्रॉफिट होगा तो 112 है सेलिंग प्राइस, तो यहां से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना कि हमने डिस्काउंट कितना परसेंट का मिला। तो डिस्काउंट परसेंटेज का कंसेप्ट बेसिक होता है कि डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज की टर्म्स। तो बॉस 40 से 140 से 112 आया, मतलब 28 रुपये का डिस्काउंट दिया, कहां से दिया, 140 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज वाली कहानी हुई, तो 20% का आप डिस्काउंट बोलिएगा, कितना बोलिएगा, 20% का डिस्काउंट दिया, चलो ठीक है 20% का डिस्काउंट। नाउ इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ न्यू आर्टिकल इज 120, भाई किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आप 120 रुपये बता रहे हो फाइनल कर रहे हैं, एंड एक्स परसेंट, ये वही वाला एक्स है जो हमारे वैल्यू आई है, एक्स परसेंट मतलब वही 20% एक्स परसेंट प्रॉफिट इज डिजायर्ड, देन वॉट शुड बी द सेलिंग प्राइस, बॉस इसके ऊपर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब देखा जाए तो 24 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो 144 उसकी क्या होगी सेलिंग प्राइस, तो आंसर आएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, आंसर कितना बनेगा सी, क्लियर इतना। और आज के लिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, एबीसी स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:5, 4:5, आफ्टर 4 months ए विड्रॉ 1/12 द अमाउंट ऑफ व्हाट बी एंड सी इन्वेस्टेड, जितना बी और सी ने इन्वेस्ट किया था उसका 1/12 पार्ट विड्रॉ कर रहा है, इफ द एनुअल इनकम इज 9,200 देन व्हाट वॉज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताना है, पार्टनरशिप का बहुत ही आसान सवाल है, पार्टनरशिप का बहुत आसान सवाल, हाँ गाइस क्या आंसर, देखिए आपसे बोला गया है एबीसी स्टार्ट अ बिजनेस, आपके पास में तीन बंदे हैं एबीसी, उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ए ने अगर 3 रुपीज लगाए आफ्टर 4 months, मतलब इसका पैसा ये 4 महीने के लिए, ए विड्रॉ, उसने अपना कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, 3 रुपए थे उसने विड्रॉ कर लिया, कितना विड्रॉ किया, 1/12 ऑफ अमाउंट ऑफ बी एंड सी टूगेदर इन्वेस्ट, बी और सी ने अगर देखा जाए तो 9 रुपए इन्वेस्ट किए थे टूगेदर, बी और सी ने इन्वेस्ट कितना किया था, 9 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, यानी कि देखा जाए तो ये सारा का सारा फ्रैक्शन में ही पार्ट चल रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 3/4 रुपीज उसने विड्रॉ कर लिया, इतना विड्रॉ किया है भाई मैंने,
3/4 रुपीज उसने क्या कर लिया आपके पास में, इतना अमाउंट, ये सीधे सीधे अमाउंट है, 1/12 ऑफ द अमाउंट। अगर आप चाहें तो इसमें और किसी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, उससे रेशियो और बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने देखा जाए तो 3/4 उसने विदड्रॉ कर लिया है, इतना पैसा निकाल लिया है, इतना क्लियर है। तो 3 रुपीज उसके पास में था, 3 रुपीज था उस बंदे के पास में, और 3 में से 3/4 अगर चला गया है तो बचेगा मेरे पास में 12, 9/4 बचेगा। यहां तक क्लियर है, बचेगा कितना, 9/4 फॉर रिमेनिंग टाइम। तो आप क्या बोलोगे कि 9/4 रुपीज मेरे पास में है फॉर रिमेनिंग टाइम, और एनुअल इनकम दिया है, एनुअल मतलब साल का, 4 महीने यहां तो बचेगा 8 महीने। बी का पैसा देखा जाए तो बी का 4 रुपीज हम कंसिडर करें पूरे 12 मंथ के लिए, और सी का 5 रुपीज हमने कंसिडर किया है पूरे 12 मंथ के लिए, 4 से डिवाइड कर दिया ये 2 टाइम्स, तो रहेगा 12 और 18, 12 और 18 हो जाएगा आपके पास में 30। तो 30 gem 48 gem 60 का रेशियो बनेगा। आप इसको उड़ा दीजिए, पूरा का पूरा डिविजिबल है 6 से अगर उड़ाया हम लोगों ने 5 टाइम्स, 6 से रहा आपका 8 टाइम्स, और 6 से रहा 10 टाइम्स, इस रेशियो में वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो देखा जाए तो ये टोटल प्रॉफिट है 92। व्हाट वाज द बी शेयर, बी का शेयर अगर देखा जाए तो मिलेगा 8 out of total 13 + 23 10 ऑफ 9200। 23 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 8 = 32 आपका राइट आंसर, 3200 मिलेगा आपके पास में किसको, बी को, बी को जो मिलेगा वो 3200 मिलेगा। बहुत बढ़िया गाइस, जीतू मेहुल एंड राहुल, बहुत बढ़िया। किसी बंदे को सवाल, ये चीज समझने वाली चीज थी, और तो कुछ दम सवाल में था नहीं, कि ए विड्रॉ कर रहा है और ये सीधे रेशियो की टर्म्स में पूरा का पूरा पार्ट हम लोग लेके चले हैं कि कितना पार्ट विड्रॉ कर रहा है, 1/12 ऑफ द अमाउंट, 1/12 भाग वो विड्रॉ कर रहा है अमाउंट ऑफ वॉट, किसका भैया, ऑफ वॉट, बी एंड सी इन्वेस्ट, बी और सी ने आपके पास में इन्वेस्ट किया, इतना क्लियर हुआ। हाँ, यहाँ तक अगर सब बंदों को क्लियर है तो एक बार थंब इम्प्रेशन दीजिए। पिंकी जी बोल रही हैं प्लीज़ मतलब कि क्या एक बार और मैं इसको डिस्कस करूँ, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। हाँ, सबको अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज मैं एक बार तो नॉर्मल से इसको समझा देता हूँ। ABC का ये शेयर है इनिशियली कैपिटल, 4 महीने के बाद इन्हें पैसे में चेंज किया, 4 मंथ के लिए अगर ए का 3 रुपीज है तो 4 मंथ के लिए पूरा का पूरा पैसा, क्लियर है सर जी, ओके ओके ओके, गुड लक, ठीक है गाइस। और इसने विड्रॉ किया है तो 1/12 ऑफ बी एंड सी टुगेदर, तो बी एंड सी टुगेदर का अगर देखा जाए तो बी एंड सी है आपके पास में 9, उसका 1/12 पार्ट हम लोगों ने निकाल दिया, विच इज 3/4, 3 उसका इन्वेस्टमेंट था, 3 में से 3/4 अगर चला गया तो यानी कि अब आगे कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट बनेगा 9/4, तो 9/4 हमने रोगन रखा फॉर 8 मंथ, ओके क्लियर, गुड, वेरी गुड। तो आज के सेशन के लिए यहीं पर रुकते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो नेक्स्ट बैच है आपका उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये पूरा बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक बंदे के लिए, जो हम लोगों का 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मतलब परसों, ठीक है। अभी उसका टाइम इवनिंग में रहेगा, फिर आप लोगों के 2 सेशन रहेंगे, एक रहेगा आपका जो अलग से पैटर्न चल रहा है, हम लोग जो टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं पूरा टेस्ट डिस्कशन, वो अपनी जगह पर रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपके पास में न्यू बैच का, जो 6 तारीख से हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उसका ब्रोशर शायद मिल नहीं रहा है, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। और एक ऑफलाइन बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है morning 8 o'clock, तो ऑफलाइन के बारे में जरूर बताइए अपने दोस्तों को, जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें वो आपका विजय चार रस्ता या फिर आपके पास में बापू नगर सेंटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करना पड़ेगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए टिल सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे
जब फाइनली सिलेक्ट होते हैं तभी कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं। बॉस वो हरकत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का ईपीएफओ है, ईपीएफओ को टारगेट बनाइए। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरीके से लास्ट वाला है आपके पास में, उसी तरीके के पूरे उसने नोटिफिकेशन रखा हुआ है। इतना क्लियर हो, जो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो सीजीएल की तैयारी करें। डाइवर्ट होने का बार बार का कोई काम नहीं है कि अभी जैसे सीजीएल का आया है तो सीजीएल वाले बच्चे, बैंकिंग वाले बच्चे सीजीएल में डाइवर्ट हो जाए, और सीजीएल वाले बच्चे बैंकिंग जब आ रहा है तो उसे परफेक्ट तैयारी नहीं बोलते हैं। पूरा सिलेबस बहुत अलग होता है, फॉर्म जरूर सारे के सारे फिल करिएगा, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।